पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के प्रयासों को सफलता मिली है। अब किसानों को उनके फसल बीमा के पैसे जल्द ही दिए जाएंगे। नजर डालते हैं इस खबर पर। चंद्रपुर जिले के किसानों के फसल बीमा के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनके प्रयासों को सफलता मिली है। जिले के सभी पात्र किसानों के फसल बीमा का प्रश्न अब हल हुआ है। अब किसानों को उनके फसल बीमा के पैसे दिए जाएंगे। साधारण 202 करोड़ 76 लाख 23,944 रुपयों का फसल बीमा 31 अक्टूबर तक दिया जाएगा। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विस्तार पूर्वक और क्या जानकारी दी। साधारणतः चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे क्लेम देण्याची जबाबदारी होती। ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी अतिशय मुजोरीनी वागत होती। या संदर्भात 5 ऑगस्टला आम्ही बैठक घेतली। 7 ऑगस्टला माननीय कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या केबिनमध्ये दालनात बैठक घेतली। सचिव वी राधा उपस्थित होत्या। आणि आता चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये अतिशय महत्त्वाचा निर्णय झाला आणि पैसे वितरित होण्याच्या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। साधारणतः 202,76,00,000 23,944 रुपयाचा पीक विमा हा 31 ऑक्टोबरपर्यंत आम्ही देतो आहे। याशिवाय काही जे क्लेम्स होते ज्याबद्दल कन्सिडरेशन ते करत नव्हते, यामध्ये लेट इंटिमेशन 7,959 आता कन्सिडर झाली, नो रेनफॉल अन इवन डेट 20,095 आता कन्सिडर झाली, क्रॉप मिसमॅच 1,762 व्हेरिफिकेशन करून त्याच्यावर निर्णय होईल, डुप्लिकेट इंटिमेशन याच्यावर निर्णय होईल आणि यासोबतच लोकल क्लायमिटीच्या बाबतीमध्येही निर्णय होईल। तर साधारणतः 202 कोटी रुपयांचं तर वाटप सुरू झालं, पण यासोबत अजून 50-60 कोटी हे चंद्रपूर जिल्ह्याच्या पीक विम्यात येईल। तर साधारणतः मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय व विशेष करून कृषी मंत्र्यांना धन्यवाद देऊ की त्यांनी बैठक लावली। जिल्हाधिकारी महोदयांनी लक्ष घालून अतिशय बारीक आणि सूक्ष्मपणे त्यांच्या टीमनी यामध्ये काम केलं, त्यांचंही मी कौतुक करेन। सीटीव्ही के लिए प्रतिनिधी वैभव यारकर की रिपोर्ट।